इस गड्डी की खासियत की रहेगी? जिहड़ा गड्डी का कैमरा है वह सिर्फ फ्रंट या रेयर नहीं दिखाएगा, 360 डिग्री दिखाएगा। नेक्स्ट है जिहड़ी है वेंटिलेटेड सीट्स, तो सीट के अंदर तुसीं कूलिंग भी ले सकते हो, हीटिंग भी ले सकते हो, दैट इज अ वंडरफुल थिंग। तो इट हैज अ पैनोरामिक सनरूफ। तो ये पैनोरामिक सनरूफ क्या होता है, जनरली सनरूफ होती है इतनी जी, जो सिर्फ ड्राइवर को देख सकते हैं। पैनोरामिक सनरूफ इज अप टू द लास्ट पर्सन। इदी की रहेगा प्लस पॉइंट डिक्की दे विच? बैटरी हैज यूज्ड दिस फार एंड आफ्टर दैट ऊपर आप अपना सामान भी रख सकते हो। अगर मैं सिक्योरिटी की और बात करूं, ABS, EBD, 6 एयरबैग्स, एवरीथिंग इज देयर। तो कार इज पैक्ड विद ऑल द फीचर्स वी कैन हैव। इसमें जो है ESP ऑन ऑफ के स्विचेस हैं जी, एंड इसमें बैटरी स्विचेस हैं एंड इसमें वायरलेस चार्जिंग है। ऐसी गाड़ी ब्रेक लगा रही है, जो ब्लू लाइट देख रहे हैं ये ब्लू लाइट है, जो इलेक्ट्रिक लाइट है हमारी, जो इलेक्ट्रिक पावर है हमारी वो कन्वर्ट हो रही है और ये सारा जो है कन्वर्टर को जो अपनी पावर दे रही है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सिस्टम। रिवर्स करने के लिए गाड़ी को इंजन की जरूरत नहीं है, रिवर्स के लिए गाड़ी को उसकी जो इलेक्ट्रिक पावर है उसी से वो रिवर्स होगा। सत श्री अकाल, स्क्रोल पंजाब देखे दर्शकों का बलजीत मरवाहा वालों स्वागत है। सो जिहड़े गड्डियां दे शौकीन हैगे ने, कारां दे शौकीन ने, नित नवी टेक्नोलॉजी दे शौकीन ने, उन्हां लई एक नवी गड्डी जिहड़ी है मार्केट च आ गई है। टोयोटा इस नूं उतारन जा रहा है, गड्डी आ चुकी है, प्राइस हाले दस्या जाएगा थोड़ी देर बाद, खासियत की है। जेकर टोयोटा दे मार्केटिंग हैड हैगे ने आशू मिसर, उन्हां दी मन्नीए तां बड़ी किफायती गड्डी है। खुद आशू साडे नाल मौजूद ने, अर्बन क्रूजर हाई राइडर गड्डी जिहड़ी लॉन्च होएगी, मॉडल की होणगे गल करदे हां। आशू जी, सब तो पहलां तां असीं जानना यही चाहवांगे इस गड्डी दी खासियत की रहेगी। सर जे मैं सब तो ज़्यादा टॉप फीचर्स दे बारे गल करां ते इस हैगा 360 डिग्री कैमरा। जिहड़ा गड्डी दा कैमरा है वो सिर्फ फ्रंट या रेयर नहीं दिखाएगा, वो 360 डिग्री दिखाएगा। फ्रंट की है, साइड्स की है, रेयर की है, सज्जे खब्बे भी होती है, सज्जे खब्बे, फ्रंट बैक, एवरीथिंग वो हैगे ते सब तो वधिया फीचर। नेक्स्ट जे मैं गल करा इस तो बाद जे नेक्स्ट है जिहड़ी है वेंटिलेटेड सीट्स। जिस तरह तुसी सानू पता है कि साडा एनवायरमेंट जिस तरह है, सीट्स जो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो सीट के अंदर तुसी कूलिंग भी ले सकते हो, हीटिंग भी ले सकते हो, दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। आफ्टर दैट जिहड़ा हाई राइडर का सब तो मेजर फीचर हैगा, दैट इज़ द कार इज़ फुली हाइब्रिड, दैट हैज स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल इंजन। सो दैट उसमें क्या होता है कि तो जो गाड़ी है वो 60% ऑफ द टाइम इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चल रही होती है एंड 40% ऑफ द टाइम इट रन्स ऑन द बैटरी, द पेट्रोल इंजन, कन्वेंशनल इंजन। तो उसकी वजह से जो माइलेज है हमारी गाड़ी की वो सबसे ज़्यादा होती है। अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी बेस्ट इन क्लास माइलेज है, तो माइलेज इज 27.97, तो हम 27.97 को 28 भी बोल सकते हैं। तो मिनिमम ये रहेगी, मतलब इसमें ये कंपनी ARAI सर्टिफाइड माइलेज है, तो ये रहेगी ही रहेगी। गल करिए जिदा हम लोगों की जरूरत बढ़ती जा रही हैगी है, पेट्रोल वाली गड्डिया, डीजल वाली गड्डिया, होर की गल करिए महंगे भी होंगे जा रहे हैं, इलैक्ट्रिक तुम कह रहे हो वर्जन जो मार्केट उतारे है वो यदि आप कह सकते हैं मतलब TRP रहेगा इलैक्ट्रिक यदा होना? सर आई थिंक अगर हम अभी करंट सिनेरियो के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक एनर्जी इज द नीड ऑफ द आवर राइट नाउ। हमें फुली इलेक्ट्रिक नहीं चाहिए क्योंकि फुली इलेक्ट्रिक के लिए हमारे पास अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है पूरे इंडिया में। वो शायद हो सकता है अगले 5-7 साल में आ जाए, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बट राइट नाउ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके हिसाब से हाइब्रिड इज द वेरी राइटली पोजिशन एंड बैलेंस कार, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है और हमारी गाड़ी जो है वही प्रोवाइड कर रही है। इहदे नाल दा कोई मॉडल इंडिया चल तक है? अगर हम इसके बारे में बात करें, दिस इज फर्स्ट इन क्लास, दिस इज द फर्स्ट इंडिया छाल दी कड़ी एक ही हैगी इहदे नाल दी। टोटल किन्ने के मॉडल आणगे दी रेंज दे विच? 7 मॉडल्स, 7 मॉडल आएंगे, बट उसमें जो है फर्स्ट 4 मॉडल होंगे वो पेट्रोल के लिए होंगे, जो लास्ट 3 मॉडल्स होंगे, जो टॉप मॉडल्स होंगे वो हाइब्रिड में होंगे। ये किस लेवल का, ये टॉप 3 वाला लास्ट वाला? ये टॉप 3 वाला मॉडल है, ये फुली हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉडल है। अच्छा, ने किसी ने हुण तुहाडी ये गड्डी लैनी है, घट्टो घट किन्ने पैसे जेब च पा के आवे? प्राइस एक्चुअली अभी कंपनी से आया नहीं है क्योंकि गाड़ी जो है वो सितंबर या अगस्त एंड में जो है वो प्रोडक्शन में आनी शुरू हो जाएगी, देन इट विल बी लॉन्च्ड। तो प्राइस अभी एनी टेंटेटिव फिगर? सर वी विल डू द एग्जैक्ट फिगर्स, वो जब आएगी वी कैन एक्सप्लेन, बट हाँ इट्स अ गुड कार, इट्स अ गुड टेक्नोलॉजी एंड प्राइस इज नॉट विल नॉट बी एन इशू। इस प्राइस इस रेंज में कोई हाइब्रिड नहीं आ रही है, सो प्राइस विल नॉट बी एन इशू फॉर आवर कस्टमर्स। मैं कहूँगा तुम उधर आ जाओ, कुछ अंदरों भी सानू इसकी खासियत दसो तुम गड्डी के अंदर आके। सो कहूँगा कैमरामैन ने कि गड्डी दे विच खासियत जिहड़ी है होर किदां दी रहेगी, जिहड़े हैगे ने आशू साडे नाल बैठणगे भी
ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਕੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾਉਂ ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਫੁੱਲ 9 ਇੰਚ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ तो इसके अंदर जैसे ऑटोमेटिक एसी है जैसे आपको मैंने आपको बताया और इसमें जो है ESP ऑन ऑफ के स्विचेस हैं एंड इसमें बैटरी स्विचेस हैं एंड इसमें वायरलेस चार्जिंग है सो दैट्स अ वेरी गुड फीचर कि अगर आप वायरलेस चार्जिंग है जी आप जैसी अपनी गाड़ी अपना फोन इसके ऊपर रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो चार्ज होता रहेगा व्हाइल यू आर क्रूजिंग तो आपको कोई एडिशनल सॉकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें एंड इट्स ऑल व्हील ड्राइव कार जी हाँ ये फोर व्हील ड्राइव कार है ऑल व्हील ड्राइव कार है अच्छा एंड इसमें जैसे कि मैंने आपको फोर बाय फोर इसमें ईवी मोड है ड्राइव मोड है और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें वेंटिलेटेड सीट्स हैं जी जो सीट्स के अंदर से फ्रंट टू जो सीट्स हैं उसके अंदर से जो है वेंटिलेशन निकलेगी मतलब ये सफोकेशन नहीं होगी बिल्कुल नहीं होगी 0% होगी जैसे ही आपने गाड़ी स्टार्ट की और आपने वेंटिलेटेड सीट्स ऑन कर दी यू विल नॉट फील एनीथिंग एनी लैग यू विल नॉट फील एनीथिंग एंड और अगर आप ऊपर अगर हम देख पाए तो इट हैज अ पैनोरामिक सनरूफ तो ये पैनोरामिक सनरूफ क्या होता है जनरली सनरूफ होती है इतनी जी जो सिर्फ ड्राइवर को देख सकती है पैनोरामिक सनरूफ इज अप टू द लास्ट पर्सन पीछे भी पैसेंजर बैठे उनको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होगा मतलब जी, उनको ऐसा लगेगा कि खुला है ऊपर भी खुला है साइड पर भी खुला है सो इट विल नॉट बी क्लॉस्ट्रोफोबिक तो सीट्स में क्या टेक्नोलॉजी किस तरह के इसमें प्रोडक्ट लगे हैं सीट्स में क्या यूज किया गया सीट्स लेदर सीट्स है जी इट हैज फुल लेदर सीट्स और आगे अगर मैं देखूं तो ये भी लेदर है इसमें सो इट्स लेदर सीट्स सो इट्स अ वेरी कंफर्टेबल सीट्स यस फ्रंट टू आर दिस इन्फ्लेटेड सीट्स so that are perforated seats but rear two are not inflated but it's a very good comfortable seats and you can sit on the back and you'll see ki aapko bahut zyada comfort feel ho raha hai aur aapko koi zyada hindrance nahi hai koi obstruction nahi hai bahar chalte hain back pe dekhte hain ji so eh unhone khasiyat dassi bhi jehda roof seat hegi hai upar roof bhi hai tanu saryan layi milegi aashun sade naal jehda piche bhi aa rahe ne te dikki bhi je aapan gal kariye dikki bare edi ki rahega plus point dikki de vich te sir yahan pe jaise ki maine bataya ki ye jo battery hai wo iske andar packed hai so that's why aap battery pe hai ha to yahan pe battery dali hui hai so battery ne jo hai apni jagah jo hai andar kahin pe nahi use ki hai to battery has used this part and after that upar aap apna saman bhi rakh sakte ho so battery is very intelligent badi dikki hai matlab kahe ha badi dikki hai aur bahut intelligently placed hai aap niche देखेंगे तो थोड़ी डूंगी भी है ठीक है गहराई भी अच्छी है ऊपर यहाँ पे सॉकेट्स रखे हैं आप यहाँ पे भी कुछ रख सकते हैं यहाँ पे भी तो इट्स लाइक थ्री सॉकेट लेयर तीन सॉकेट लेयर है और इसका 360 डिग्री कैमरा है जैसे मैंने आपको बताया था रियर में भी कैमरा है ओवर वीएम्स में भी कैमरा है जी 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 रियर कैमरा इज देयर ओवर वीएम्स में जो है वहाँ पे भी कैमरा है और फ्रंट में भी कैमरा है तो दैट मेक्स द कार वेरी सिक्योर जी आपको साइड्स पे भी देख सकते हैं आप फ्रंट में भी देख सकते हैं रियर में भी देख सकते हैं तो आप गाड़ी जो है हर तरह से फुली सिक्योर्ड बनाई गई है और अगर मैं सिक्योरिटी की और बात करूं ABS EBD 6 एयरबैग्स एवरीथिंग इज देयर तो कार इज पैक्ड विद ऑल द फीचर्स वी कैन हैव सो दर्शकों आशू उन्होंने जिम्मे सू दसा है आशू मिसर उन्होंने भाई ये जी गड्डी आ रही है हाल की घड़ी टॉप 3 मॉडल जड़े आए इलैक्ट्रिक गड्डिया के वह यह इको एक मॉडल है जोड़ा हाल की घड़ी हैगा तो सितंबर के जाके जोड़ा ये सड़कों पर हैगा नज़र आएगा रूफ की गल की है कि पिछले बैठी सवारियों भी कर कैमरा कहूँगा रूफ जोड़ा है दिखाएंगे कि रूफ भी थानू जोड़ा है हर किसी लिए नज़र आएगा और जी तुसी टेक्नीक उन्होंने दसी है जो ये यूज़ की गई है रेट तो चलो जो तय होएगा उदो पता लगेगा रेट कि तय होंगे तो इलैक्ट्रिक कार जी समय की जरूरत बन चुकी है लोगों की तो जोड़े कार लवर है नवी टेक्नीक पसंद करते हैं उन्होंने ये बेस्ट चॉइस रहेगी विजय भुपिंदर बलजीत मरवाहा सकरोल पंजाब मोहाली।